मैं ललित मोहन जैन यंग संस्था की तरफ से हमने यहाँ पे दुकान नंबर 70 अनाज मंडी में 150 डस्टबिन लगभग आज बांटे हैं और हमारा टारगेट 1500 से भी ऊपर का टारगेट है। और जहाँ पे बड़े डस्टबिन की भी जरूरत पड़ेगी तो हम बड़े डस्टबिन भी बनाकर उनको देंगे शहर के अंदर, ताकि हमारा सिरसा शहर एक स्वच्छ शहर बने। और जैसे जिसको भी जरूरत पड़ेगी वो हमारे से कॉन्टैक्ट करके और हमारी संस्था के द्वारा डस्टबिन ले सकता है। और हमने डीसी साहब, यहाँ पे डीसी साहब के द्वारा बांटे गए हैं डस्टबिन, और डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जो हमने रेडियो पे, चाय वाले खोखो पे, जितने भी जहाँ पे भी हम देंगे, तो उन्होंने हमारे शहर के सेक्रेटरी साहब को आदेश दिए कि वो यहाँ पे जो है वैन वगैरह भेजकर उस कूड़े को इकट्ठा करके और इसको शहर को स्वच्छ रखेंगे। और नशा मुक्ति के ऊपर भी डीसी साहब ने कहा, हम नशा मुक्ति के ऊपर भी अच्छा काम करेंगे। हमारी यंग जो संस्था है इसके द्वारा इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और जैसे जैसे हमारे को आदेश मिलेंगे प्रशासन का, उसी हिसाब से हमारा ये क्लब जो संस्था है उसी हिसाब से काम करेंगे। पौधे हमने 51 पौधे, तुलसी के पौधे भी इस संस्था द्वारा दिए गए हैं। ये एक घरों में लगने से जो एक नेगेटिव एनर्जी आती है वो दूर भगाती है। इसी को देखते हुए हमने ये 51 पौधे आज तुलसी के पौधे दिए हैं, जो कि इस संस्था के द्वारा दिए गए हैं, ताकि इस शहर के अंदर अच्छा एक वातावरण बने, एक घर का माहौल बढ़िया बने। इसको देखते हुए इस संस्था द्वारा 51 तुलसी के पौधे आज दिए हैं। मेरा नरेंद्र सिंह तिगड़ा, संरक्षक यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैं आज हमारा यहाँ पर सफाई, शहर में सफाई अभियान को मद्देनज़र रखते हुए हमने डस्टबिन वितरण प्रोग्राम रखा है, जो ज़रूरतमंद छोटे दुकानदार, चाय खोखे वाले या छोटे रेड़ी वाले, जो लोग खाने वाले जो सामान है उधर पर फेंक देते हैं, वेस्टेज होती है उसकी, तो हमने ये डस्टबिन उन लोगों को दिया है, ताकि अगर किसी किस्म का भी वो वेस्टेज है, खाली सामान है, जो कूड़ा करकट जो भी है, वो डस्टबिन में डालें और डस्टबिन से आगे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ जो हैं वो उनसे खाली करवा के ले जाएंगे, ताकि शहर में कूड़ा करकट ना फैले। 17 मई 2017 को हमारा यह यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, और आज धीरे धीरे करते करते जो पौधा हमने लगाया था 3 साल पहले आज वो एक बहुत अच्छा बड़ा पेड़ बन चुका है, और 20 के करीब हमारे मेंबर जो हैं, जो इसकी शाखाएं बन चुके हैं, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। पर्यावरण में भी हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सर्दियों में हमने गरीब लोगों को कंबल ब्लैंकेट भी जो हैं वो बांटे थे, और भी दूसरी संस्थाओं को, भाई कन्हैया आश्रम वगैरह में भी हमने गर्म कपड़े बांटे हैं। तो इस तरह के सोशल वर्क, जो समाज से ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम सहायता करने में हर वक्त तत्पर रहते हैं, यही हमारा मेन उद्देश्य है, और इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए आज डीसी साहब को हमने इनवाइट किया था और आए हमारे बीच में, और हमने उनके द्वारा आज डस्टबिन वितरण और तुलसी के पौधे वितरण का प्रोग्राम साथ में करवाया है, ताकि लोगों में एक सफाई के प्रति जागृति रहे, पर्यावरण के प्रति भी एक जागृति रहे, यही हमारा उद्देश्य है और हम इसी को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक से बढ़कर एक नए कार्यक्रमों का वो आयोजन करते हैं और समाज के अपनी सेवा देते हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के जो पैट्रन है डॉक्टर नरेंद्र ढींगरा जी, इन सबको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इन्होंने जो है इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है और समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि यंग इंडिया का नाम यंग है, अभी तो ये यंग ही है।